हेलो, माय नेम इज मोहसिन और यूट्यूब पे आप मुझे देखेंगे अंकल फ्रॉम मोहसिन के ऊपर। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैनल लेटर ऑन व्हिच विल बी लर्न विद मोहसिन। नया चैनल होगा, हर चीज़ आपको उसके ऊपर अंदर आपको मैं इंग्लिश सिखाऊंगा, उसके अंदर आपको दूसरी चीज़ें भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो फिलहाल इसी के ऊपर गुजारा हो रहा है हमारा। तो आज मैं आपको, बैक बहुत बुरी है मेरी, मेरे शोल्डर्स, मेरे नीज और मेरे कमर के अंदर शदीद दर्द होती है, गर्दन में दर्द होती है, हर वक्त यहाँ पे टिंगलिंग होती है। टिंगलिंग का मतलब जैसे सुन होता रहता है यहाँ पे, वो चूंटियाँ रिंग रही होती हैं, बड़ा अजीब सा महसूस होता है। तो उसके लिए योगा सीखा मैंने। तो योगा के आपको मैं वार्म अप एक्सरसाइजेस दो तीन दिखाऊंगा, उसके बाद फिर दो तीन आपको वो दिखाऊंगा दूसरे आसन वगैरह जो होते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं योगा से, एक्सरसाइज से। लेट मी रिमूव माई ग्लासेस नाउ। सबसे पहले हम शुरू, वार्म अप के लिए हम शुरू कर रहे हैं जैसे हम कश्ती चला रहे हैं। तो सब में लेके आप कश्ती में बैठे हुए हैं और अपने आप बाजू को आप ऐसे पकड़ लेंगे, उंगलियों को, अंगूठों को ऐसे पकड़ लेंगे, ये आपका चप्पू बन गया। और आगे जाएं, पीछे आएं, 10 दफ़ा कर लें, 5 दफ़ा कर लें, वट एवर इज ईजी फॉर यू। ऐसे आगे जाना है, पीछे आना है, आगे जाना है, पीछे आना है, 10 दफ़ा चक्कर खत्म हो गया जब आपका, तो आप स्टॉप कर लें इसको। तो दूसरी एक्सरसाइज जो है वो ये है कि आपने अपने इनको टच करना है, अगर ये टच नहीं होता तो यहाँ पे आ जाएं आप। तो क्योंकि बैक प्रॉब्लम्स की वजह से कईयों का टच नहीं होता, तो आप ऐसे करके अपने अंगूठे को यहाँ तक आ जाएं, ऐसे बैठे सीधा रखना है अपने पाँव को और आगे आने की कोशिश करनी है। यहाँ तक आपको ऊपर आएगा, ऐसे करेंगे ऊपर रहेंगे, जहाँ तक जा सकते ले जाइए इसीलिए। उल्टे हाथ को आपने इस तरह टच करना है और सीधे हाथ को यहाँ से लेफ्ट के साथ आपने राइट को टच करना है और राइट के साथ में लेफ्ट को टच करना है। मेरे तो टच नहीं हो रहे लेकिन यहाँ से ये भी उठे हुए हैं मेरे, क्योंकि आई एम जस्ट स्टार्टिंग नाउ बट आई एम टीचिंग यू एज वेल। तो अब हम जनाब लेट जाएंगे, चलो लड़ने तो लेटते नहीं है, पहले आपको उंगलियों को, मुठ्ठियों को दिखाते हैं। आर्म्स किस टच करना है आपने, आपने ऐसे हाथ खोला, मुट्ठी बंद की और आपने ऐसे टर्न करना शुरू कर देना इसको। बैठे ये सीधा जमीन के साथ लगाना, कोशिश करें जमीन पे लग जाए, ना भी हो तो कोई बंद थोड़ा ऊपर, क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं, टांगे वगैरह सीधी नहीं रहती हैं हमारी। इसको यहाँ से ऊपर उठाया, ऐसे किया और ऐसे करना आपने, जहां तक इसको घुटने को लेके जा सकते हैं ले जाए आप। घुटना सही करने के लिए तो एक हाथ यहाँ पे रखेंगे, एक हाथ यहाँ पे रखेंगे, हाथ सीधा रखें आप और ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ से पकड़ने के लिए ऐसे इजी होगा, ये कर लें आप। सेम आसन ये हो गया, इसको सीधा रखना आपने, ऐसे नहीं करना, ऐसे रखना। और अगला आसन जो है वो हम करेंगे जानू चक्रा। ये वो बाबा जानू वाला नहीं है, जानू मदनी वाला नहीं है, नासिर मदनी वाला जानू नहीं है, इसको जानू चक्रा बोलते हैं। आपने अपना हाथ यहाँ से पकड़ना, ऐसे करना आपने और इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे करना आपने, ठीक है। अब आप इसी को आप एंटी क्लॉकवाइज के लिए घुमा लेंगे, 10 दफ़ा आपने ऐसे करना है, इसको सीधा रखें। अब ये वाला शुरू हो जाए, 1 2 3 4 5, तो इसको ऐसे करना है आपने क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, जैसे मर्जी आप स्टार्ट कर लें आप। अब एक एक्सरसाइज और है जिसके लिए आप लेट जाएंगे जमीन के ऊपर ऐसे, और आपके घर में बेल्ट्स यूज कर लें आप अपनी, और यहाँ पे लगाना है अपने बेल्ट को, इसको सीधा रखें और यहाँ से पकड़ लें आप, जितना पीछे लेके जा सकते हैं कंफर्टेबली, बाजू आपकी सीधी रहेगी इस तरह, और आपने इस तरह करना है। और ऊपर आए बेल्ट को थोड़ा और कस के पकड़ लिया और अपनी अपनी थोड़ी जो है ऊपर करनी है, और हमने छत की तरफ देखना है, आपने सामने सामने जो छत है उसको देखना आपने इसके साथ।
अभी स्टैंड को कर लिया, जरूरी नहीं है आपने स्ट्रेच बेल्ट लेनी है, आप घर के अंदर का आपके कोई भी बेल्ट हो आप ऐसे कर सकते हैं उसको, सीधा लेट जाएं, जितना खींच सकते हैं खींचे इसको आप, और बिल्कुल ऐसे ही आपने ये करना है। ठीक है जी, अब अगला आसन जो है वो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, अगर आप सीधा नहीं जा सकते तो अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास, बैक रोलर कहते हैं इसको, ये नहीं है गोल तकिया बना लें आप एक, तो उसको अपने अपने यहाँ पे रखना है अपने इधर सपोर्ट के लिए, एंड नाउ इसको ये करना आपने, इस आसन को करना आपने, ये बैक के लिए, शोल्डर के लिए और नीज के लिए, नीज सीधे रहेंगे आपके, बैक नीज एंड शोल्डर के लिए बहुत इजी है। देखो थोड़ी सी देर के लिए मुझे पसीना आ गया एंड यू विल फील नाइस, जिस्म खुलेगा आपका, और जितनी मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई है ना, लोग शिकायत करते हैं मेरी उम्र में जाते हैं जब, तो कहते हैं ये टांगें सुन्न हो जाती हैं, टांगों में नमनेस आ जाती है, घुटनों में जान नहीं रहती, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियाँ उतरते वक्त प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देर चल नहीं सकते, घुटनों में दर्द होती है, ये सारी शिकायत आपकी दूर हो जाएंगी जब आप ये आसन करेंगे, ऐसे खींच के रखना आपने और ऐसे करना आपने। तो मेरे सुबह सुबह जब मैं उठा था तो मेरे टांगों के ऊपर नमनेस हो रही थी मेरी, तो जान निकल रही थी टांगों में से, मैंने अभी जो कहने लता जो जान निकलती पई है, तो मैंने जनाब ये आसन किया जाके मैं ठीक हो गया। तो आप भी कोशिश करें इस करने की। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।